हाय गोदावरी किचन में आप सब लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं चीज केक बनाने जा रही हूँ। आज मेरे पोती का 11 महीना है हो रहा है, इसलिए मैं उसके खुशी में चीज केक बना रही हूँ। बेस को हम बेक करने के लिए, प्रीहीट करने के लिए हम कढ़ाई में नमक डाल के रख दिए हैं 10 मिनट के लिए। और अब हम 140 ग्राम बिस्किट लिए हैं, इसको हम टुकड़ा टुकड़ा कर लेते हैं। हमने डाइजेस्टिव बिस्किट लिया है, आप चाहे तो कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। और इसको हम छोटे छोटे टुकड़ा करके डाल रहे हैं। हमने मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम तोड़े हुए बिस्किट को डाल देते हैं। अच्छे 80 ग्राम बटर है, इसको हम पिघला लिए हैं और इसको डाल रहे हैं। और अच्छा से हम इसको पीस लेते हैं। हमने अच्छा से बिस्किट को पीस लिया है और हमने स्प्रिंग मोड लिया है। ये चीज़ केक के लिए ये यूज किया जाता है और इसी में अच्छा बनता है। इसको ऐसे खोलने से इसका बेस अलग निकल जाता है। हम इसमें पूरा बिस्किट जो पीसे हैं उसको यहाँ डाल लेते हैं। हम टिन में बटर से ग्रीस कर लिया था और इसमें हम अच्छे से डाल लिए हैं और इसमें अच्छा से बराबर कर लेते हैं। हम मिक्सर से इसको बराबर अच्छा से चिकना कर लेते हैं दबाते हुए, ताकि पूरा अच्छा से चिकना हो जाए और अच्छा बराबर रहे। हमने प्री हीट करने के लिए रख लिया था। अब हम इसको 10 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट के लिए हमें मीडियम लो फ्लेम में रखना है। 10 मिनट हो गया है, हम खोल के देख लेते हैं और हमारा बेस जम गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और ठंडा करने के लिए रख देते हैं। हमने कढ़ाई में पानी लिया है और स्टैंड लगा दिया है और प्री हीट करने के लिए रख दिए हैं। पानी खौल रहा है। ये हमारा क्रीम चीज है, इसको हम एक बाउल में 300 ग्राम निकाल लेते हैं। हम ये चीज ले लिया है बाउल में और अब हम छन्नी से आधा का कप शक्कर है, इसको हम छान लेते हैं। अब हम बीटर से अच्छा से क्रीमी होते तक फेंट लेते हैं। हमने अच्छा से फेंट लिया है, एकदम मस्त क्रीमी हो गया है, बढ़िया। एक चौथाई कप हंग कंड है जो हमने बनाया था वही वाला, इसको हम डाल रहे हैं। फ्रेश क्रीम 3/4 कप है, इसको भी हम डाल रहे हैं। 1 चम्मच वेलिना एसेंस है, इसको डाल रहे हैं। 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर है, इसको भी डाल रहे हैं। 180 ml मिल्क मेट है, इसको भी हम डाल रहे हैं। इसको अब हम अच्छे से एक डायरेक्शन में अच्छे से हम मिला लेते हैं। और हमने बेटर को अच्छा से मिक्स कर लिया है, एकदम मस्त हो गया है क्रीमी। हमने केक टिन को एल्युमिनियम फाइल से अच्छा से पैक कर दिया है, ताकि हम स्टीम करेंगे तो अच्छा से बैक हो जाए, स्टीम हो जाए करके। तो हम बेटर को इसमें डाल देते हैं जो बेस बनाए हैं इसमें। इसको हम थोड़ा सा उठा के टैप कर लेते हैं, ताकि जो एयर बबल्स हो वो ना रहे। और अब हम ढक्कन खोल लेते हैं, प्री हीट हो गया है। अब हम ढक देते हैं और इसको 45 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए रख देते हैं। 45 मिनट हो गया है, हम खोल के देख लेते हैं।
अच्छा से मतलब इधर किनारे तरफ हो गया है, चिपक नहीं रहा है, मतलब स्टीम हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये 5 मिनट हो गया है, थोड़ा सा ठंडा हो गया है। और ये चीज़ केक है, इसको हम ऐसे हिला के देखेंगे तो थोड़ा हिलता है और कलर चेंज हो गया है, इससे पता चल रहा है कि अच्छा से ये पक गया है। और इसको हमको गरम गरम ही किनारे किनारे चाकू से कर देना है, किनारे किनारे, ताकि निकालने में अच्छा हो रहे। हमने किनारे किनारे पूरा चाकू से पूरा छोड़ा दिया है और ये रूम टेम्परेचर में आएगा, उसके बाद हम 6-7 घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद ही हम सर्व करेंगे। मैंगो बेस बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लिया है और कढ़ाई में हम 1 कप मैंगो प्यूरी है, इसको हम डाल रहे हैं। 2 छोटा चाय चम्मच पानी है, इसको हम धो के हम इसमें डाल रहे हैं, पका रहे हैं मैंगो प्यूरी इसमें। और चम्मच चलाते हुए इसको अच्छा से हम पका लेंगे। एक चौथाई कप ब्राउन शुगर है, इसमें हम डाल रहे हैं, ये भी साथ में पकेगा क्योंकि इसका भी पानी छूटेगा। आंच को मध्यम रखेंगे और चम्मच चलाते हुए अच्छा से इसको पकाएंगे। और इसमें हम 1/2 नींबू लिए हैं, इसका रस निचोड़ के डाल रहे हैं इसमें, ताकि इसका थोड़ा, हमारा आम भी मीठा है और हम शक्कर डाले हैं, तो इसमें नींबू का रस डालने से इसका खटास अच्छा से बढ़ जाता है, स्वाद भी अच्छा बढ़ जाता है। आम अच्छा पीने अच्छा से पक गया है और एकदम सिमट रहा है और मस्त गाढ़ा हो गया है, ऐसे गाढ़ा हो गया है। और हम अब हम गैस बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए इसको हम रख देते हैं। हम चीज़ केक बना के रखे थे, इसको हम रात भर फ्रिज में रखे थे और इसके ऊपर अभी हम मैंगो ग्लेस बनाया है, इसको हम ऊपर से डेकोरेट कर देते हैं। इसको हमको पूरा बराबर फैला देना है, किनारे किनारे छोड़ देना है और पूरा अच्छा से फैलाना है। हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं, ताकि मैंगो ग्लेस अच्छा से सेट हो जाए। हमारा मैंगो ग्लेस अच्छा से सेट हो गया है, हमने 2 घंटा रख दिया था फ्रिज में, अब अच्छा से सेट हो गया है। अब हम निकाल ले रहे हैं। हमारा चीज केक बन के तैयार है, अब इसको हम कट कर लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नारुवी, हैप्पी बर्थडे। हमारा केक कितना सुंदर दिख रहा है, 3 लेयर दिख रहा है, मैंगो का, क्रीम का और बिस्किट का। और इसको बेक करते समय ध्यान दीजिएगा, पानी का ही इस्तेमाल कीजिएगा स्टीम करने के लिए, तभी अच्छा बनता है। और बनाइएगा, खाइएगा और अपना अनुभव मेरे गोदावरी किचन में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।